Democratic governance basically emphasize करता है effective and efficient working of the institutions, और वो institutional strength के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता है. अगर institutions, वो कोई भी किस्म का institution हो सकता है, वो society का institution हो, वो government का हो, वो executive branch का हो, वो judicial institution हो, हर institution को effectively काम करना जरूरी है ताकि वो अपनी अपने premise के अंदर बेहतर तौर पर service delivery दे सकें लोगों को. सो और उन इंस्टीट्यूशंस के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करें जिनमें प्लूरलिज्म है, रिप्रेजेंटेशन है, अकाउंटेबिलिटी है और ट्रांसपेरेंसी है. सो अगर इंस्टीट्यूशंस इन नॉर्म्स के तहत इफ़ेक्टिव तरीके से काम करेंगे तो पूरी सोसाइटी जो है वो इफ़ेक्टिव होगी, एफिशिएंट होगी और वहाँ पर लोग जो हैं वो एक बेहतर मेयारे ज़िंदगी को इन्जॉय कर सकेंगे. It promotes basically equality, equity and accountability. So democratic governance equity और equality के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता है कि अगर आप बराबरी की बात करते हैं तो वो उस बराबरी में fairness का element होना भी ज़रूरी है, impartiality भी होनी ज़रूरी है. और अगर ये सब चीज़ें होंगी तो आप basically एक democratic governance के तौर पे एक state को चला रहे होंगे. Accountability basically encourages ethical conduct in the society. सो एथिक्स, मॉरल वैल्यूज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी सोसाइटी में और वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी उतनी ही अहम होती हैं जितनी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होती हैं. इंडिविजुअल्स के भी मॉरल्स और नॉर्म्स होते हैं और इसी तरह इंस्टीट्यूशंस भी अपनी मॉरलिटीज और वैल्यूज डिफाइन करता है और उनके अकॉर्डिंगली जो है वहाँ के जो यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, वो काम करते हैं या परफॉर्मेंस देते हैं. सो अगर हम अकाउंटेबिलिटी को इम्पॉर्टेंस देते हैं किसी भी सोसाइटी में, वो डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक हो, तो उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि वहाँ एथिकल कंडक्ट को प्रमोट किया जाए, लोग सिविलाइज मैनर में जो है वो बिहेव करें और उसी तरह से अपनी जिंदगियों को गुजारें. सो अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोटिंग एथिकल कंडक्ट्स इन द सोसाइटी. अब इन सब चीज़ों के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के कुछ पिलर्स हैं जिनको फोकस करना और फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट किया जाए या उसको प्रिवेल करना ज़रूरी है सोसाइटी में, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इन पिलर्स को फोकस किया जाए या इन पिलर्स को जो है वो प्रैक्टिस किया जाए ताकि एक ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है वो सोसाइटी में हो. ये पिलर्स हैं लेजिटिमेसी, एंगेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप, एथिकल कंडक्ट, ट्रांसपेरेंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. ये जो 7 पिलर्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनको फॉलो करना या प्रैक्टिस करना एक सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है ताकि एक ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस वहाँ पर इस्टेब्लिश हो सके. अब ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं, ये पिलर्स जो हैं वो अलग अलग या आइसोलेशन में जो है वो प्रैक्टिस नहीं किए जाते, बल्कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. और अगर आप एक पिलर को स्ट्रेंथन करते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली उसकी सपोर्ट में दूसरे पिलर्स भी होते हैं और इसी तरह ये एक नेटवर्क के तौर पे काम करते हैं और कोऑर्डिनेशन और इनकी इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और इनको इसी तरह एक ही सिस्टम के यूनिट के तौर पर देखा जाता है जो सब मिलके एक इफ़ेक्टिव डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है वो एक सोसाइटी में इस्टेब्लिश करते हैं.